स्वागत है आपका इन खबर आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ पारी। इन दिनों हार्ट अटैक के मामले आना आम सी बात हो गई है। कभी कोई इस तरीके की कई ऐसी खबरें आती हैं जब कोई अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आता है, अचानक से उनके दिल में दर्द होता है, पसीने छूटने लग जाते हैं और वो बंदा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इलाज के दौरान पता चलता है कि वो अपनी जान खो बैठा है। इनमें से ज्यादातर मामले साइलेंट हार्ट अटैक के आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें ये ज्यादातर मामले जो है वो यंग उम्र की बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं, जो कि कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक का मेन जो आप कह सकते हैं मुद्दा हो सकता है या कारण हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का, वो यही होता है। जैसे ओवर एक्सरसाइज कर देना, जिम में ओवर एक्सरसाइज कर देना, हैवी डांस कर देना, हैवी वर्कआउट कर देना, या फिर खेल कूद के दौरान, पढ़ाई के दौरान, एक्स्ट्रा प्रेशर के दौरान, इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं जब पता चलता है कि साइलेंट हार्ट अटैक के कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे में एक और मामला जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले 18 वर्षीय एक लड़के के जो है क्लास में पढ़ने के दौरान जो है उसे हार्ट अटैक आ गया और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। ये वाक्य जब हुआ हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि एक हष्ट पुष्ट बंदा जो पढ़ाई, आपको बताते 18 साल का राजा जो कि पढ़ाई कर रहा था, आपको बताते राजा जो है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस के कमीशन की पढ़ाई कर रहा था, हंसता खेलता बंदा जो अपनी क्लास में कोचिंग ले रहा है, इस तरीके की वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। हालांकि कुछ गाइडलाइंस के चलते हम आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन आप कुछ तस्वीरें जरूर देख रहे होंगे जरूर स्क्रीन पर, जहां पर आपको देखेगा कि एक युवक जो है वो अपनी क्लासरूम में बैठा है और अचानक से वो अजीब सा फेस बनाने लग जाता है, अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है, वो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, वो घबराने लग जाता है और एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब ऐसा कारण, जब ऐसा वाक्य होता है, आसपास का हर कोई हैरान हो जाता है। जो भी उसके मित्र थे, दोस्त थे, वो उसके पास जाकर के जो उसको आप देखेंगे घेरा सा बना लेते हैं लोग, और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है। जब डॉक्टर के पास पहुंचाया गया तो पता चलता है कि जो ये बच्चा है, जो ये युवक है, वो पढ़ाई के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण जो है अचानक उसको दम घुटन महसूस हुई, दम जो है उसका घुटने लगा और एकदम से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और पता चलता है कि इसकी जान से वो जान गंवानी पड़ी उसको, वो अपनी जान से खो बैठा। तो इस तरीके के वाक्य जो है वो लगातार कई बार सामने आते हैं। मध्य प्रदेश से तो काफी बार इस तरीके के मामले सामने आए। साथ ही साथ आप ऐसी कई वायरल वीडियोस देखते होंगे इंटरनेट पर, जहां पर जिम के दौरान लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं और देखते ही देखते उनके पसीने छूटने लग जाते हैं, दम घुटने लग जाता है, अंदर घुटन सी महसूस होती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। पता चलता है हार्ट अटैक आया और बंदे की जान चली गई। ऐसे ही कई मामले डांस वर्कआउट के सामने भी आते हैं, डांस करते हुए भी सामने आते हैं। हम आपको दरअसल ये सवाल जो है लगातार हर किसी के मन में खड़ा हो जाता है कि क्यों वर्कआउट के दौरान या फिर जिम के दौरान, डांस के दौरान, खेलकूद के दौरान, पढ़ाई के दौरान क्यों इस तरीके के मामले सामने आते हैं और ज्यादातर यंग बच्चों में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं। इसका भी कारण हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि राजा जो है, जो 18 साल की उम्र का था, वो पढ़ाई कर रहा था, अपने कोचिंग सेंटर में बैठा था, अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। और ये मामला इतना अजब हो जाता है क्योंकि कोई भी ऐसा उसके सिम्टम्स नहीं थे उसके अंदर कि उसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाए। बता रहे हैं कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट बंदा था जो कि जिम जाया करता था, उसको वर्कआउट करना बहुत पसंद था, वर्कआउट किया करता था, वर्कआउट के बाद जो है वो अपने कोचिंग आया करता था, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में वो पढ़ाई कर रहा था, उसके एग्जाम्स के लिए वो पढ़ाई कर रहा था, और हंसता खेलता बच्चा जो कि जिम जाता है, पढ़ाई करता है वक्त पर और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, ऐसा उसके दोस्तों ने बताया। उसके दोस्तों ने बताया कि 2025 मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन की तैयारी वो कर रहा था, जिम जाता था, जिम जाने का शौकीन था, हैवी वर्कआउट करता था। इसी के दौरान वो क्लास में आया वर्कआउट कर रोजमर्रा की तरह वो अपने पूरे रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी कोचिंग में आया। जब उसने पढ़ाई के दौरान जब वो बैठा, अचानक से उसके दोस्तों को लगा कि उसका जो उसके साइड में व्यक्ति बैठा है, आप इस तस्वीर में जरूर देख रहे होंगे, उन्होंने बातचीत के दौरान ये बताया कई न्यूज एजेंसी को कि उनका जो उसका जो दोस्त है राजा जो है वो जिम का शौकीन है और उस दिन रोजमर्रा की तरह कोचिंग में आया और वो बैठा रहा। काफी देर तक मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दम घुट रहा था, वो अजीब महसूस कर रहा था, देखते ही देखते वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि दोस्तों ने तुरंत के तुरंत उसको अस्पताल जरूर पहुंचाया, हालांकि अस्पताल में जांच के दौरान राजा को है हम सबको खोना पड़ गया, लेकिन इस तरीके का मामला
जब डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्यों इस तरीके के हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि कोई भी सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर नहीं होते, तो फिर इस तरीके का हम कैसे पहचान करें कि हमको इस तरीके की कोई बीमारी है या हमें किसी भी वक्त इस तरीके का अपनी जान से हाथ धोना बैठ सकते हैं। तो कैसे हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक की पहचान कैसे करें, ये जरूर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि डायबिटीज का शिकार है, शुगर का शिकार है, हार्ट डिजीज उसको होते रहते हैं, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है और ओबीज है, इस तरीके की बीमारी वाले लोगों को तो खास तौर पर हार्ट अटैक आना है, वो लाजमी सी बात है, ये उनके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसको कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, जो कि डायबिटीज पेशेंट नहीं है, उसको हार्ट अटैक आ जाना, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाना, ये कैसे पहचान करें। दरअसल सबसे ज्यादा इस तरीके के हार्ट अटैक के मामले जो है वो तब सामने आते हैं जब आप हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी बॉडी को हिला डुला लेते हैं। डॉक्टर के मुताबिक जब आप हैवी वर्कआउट कर लेते हैं या हैवी डांसिंग के दौरान आपके हार्ट में मौजूद आर्टरीज जिनके अंदर ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जब वो ब्लड क्लॉट टूट जाते हैं तब बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के और आपकी बॉडी के बीच में नहीं हो रहा है। जब हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, और इस दौरान बंदा अचानक से कमजोरी महसूस करने लग जाता है, बेहोशी की हालत में हो जाता है, दम घुटने लग जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। जब व्यक्ति का एकदम से बेहोशी की हालत में हो जाता है, बेहोश होकर वो गिर जाता है, इस दौरान उसको साइलेंट हार्ट अटैक आया होता है, और ये साइलेंट हार्ट अटैक नॉर्मल हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर व्यक्ति को पता है कि उसको ये बीमारियां हैं, उसका उसे किस तरह इलाज कराना है, उसको कौन सी टेस्ट लेने हैं, उसको कौन सी चीजों का दवाई खानी है, तो वो उसको क्योर भी कर सकता है। लेकिन वर्कआउट के दौरान, अपनी सेहत का ध्यान रखने के दौरान, एकदम से जब आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और आपको इस तरीके से साइलेंट हार्ट अटैक आ जाना, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बहरहाल ये खबर हर किसी को बेहद दुखदायी दुख देती है। राजा जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग के लिए अपने क्लासरूम में बैठा था, अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, और उसके घर वालों को अपना बेटा खो दिया, इस तरीके का मामला बेहद हैरान कर देने वाले हो जाते, बेहद दुखदायी हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा।